हेलो एवरीवन वेलकम टू वेल्थ राजर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट लेवल से जहां से हम बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो आई है उनतालीस के आसपास और दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों उनतालीस दोस्तों एक का लेवल ये मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स ने काफी बार सपोर्ट लिया है तो दोस्तों अगर ये लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक डाउन होता है तो हमें डाउन साइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है फिर जो अगला सपोर्ट इंडेक्स में मिलेगा इस लेवल के आसपास मिलेगा और तो तो डाउन साइड में दोस्तों हम अड़तीस के लेवल तक आ सकते हैं तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें 200 से 300 पॉइंट की स्ट्रेट डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है हमें अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है उनतालीस हजार एक सौ चालीस का लेवल इंपोर्टेंट है इसके बाद दोस्तों इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस है सात सौ तिरपन के लेवल पर और इस लेवल के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों चालीस हजार आठ सौ बयालीस के लेवल पर और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बयालीस हजार के लेवल के आसपास ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ करके रखा है तो इस एरिया को भी आपको ध्यान में रखना है लेकिन दोस्तों ये अभी काफी दूर है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है उनतालीस हजार सात सौ तिरपन का लेवल और इसके बाद दोस्तों अगला लेवल है चालीस हजार आठ सौ बयालीस का लेवल तो डेली टाइम फ्रेम पर दोस्तों ये इंपोर्टेंट लेवल्स है अब हम दोस्तों फिफ्टीन मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं कौन कौन से लेवल है को देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली पता चलेगा कीतालीस हजार एक सौ चालीस का लेवल इस लेवल पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स ने काफी बार सपोर्ट भी लिया है तो ये लेवल इंपोर्टेंट रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में भी और दोस्तों यहाँ पर ऊपर के लेवल की बात करें तो उनतालीस हजार सात सौ त्रेपन का लेवल भी इम्पोर्टेंट है ये रेंज बनी हुई है इंडेक्स में। तो इस रेंज का जिस भी या आपको सात सौ तिरपन के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है और उनतालीस हजार एक सौ चालीस के लेवल को एज ए सपोर्ट ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी इंडेक्स इस रेंज को जिस साइड भी तोड़ेगा उसी तरफ हम दोस्तों अपने ट्रेड को प्लान करेंगे अगर दोस्तों डाउन साइड में निकलता है तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अड़तीस का लेवल इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हम अड़तीस हजार सौ साठ के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं तो डाउन साइड में दोस्तों आपको ये दो लेवल ध्यान में रखना है इन लेवल्स के आसपास आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं और अगर उनतालीस हजार सात सौ तिरपन का लेवल ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला टारगेट रखना है चालीस हजार एक सौ साठ का लेवल इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप चालीस के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं जो कि दोस्तों ये लेवल है इस लेवल के आसपास आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर निकलता है और यहां पर दोस्तों अगर सस्टेन होता है तो इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहां पर दोस्तों आपको बड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है यहां पर दोस्तों हम इकतालीस हजार छह सौ के लेवल तक भी जा सकते हैं तो इस प्रकार दोस्तों आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में अपना ट्रेड प्लान करना है और इन लेवल्स को ध्यान में रखना है अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है

चालीस के लेवल के आसपास तक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर सोलह का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम यहाँ पर सोलह के लेवल तक आ सकते हैं तो डाउन साइड में दोस्तों ये लेवल इंपोर्टेंट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर निप्ट इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है सत्रह का लेवल इस लेवल के आसपास निप्ट इंडेक्स में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है यहाँ से दोस्तों आप डाउन साइड के लिए भी पोजिशन बना सकते हैं अगर इस लेवल के आसपास कोई भी बेरिस प्राइस सेक्शन बनता है तो यहाँ पर दोस्तों आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों अगला जो रेजिस्टेंस वो है दोस्तों सत्तर हजार पांच सौ के लेवल पर और दोस्तों यहाँ पर सत्तर हजार सात सौ अस्सी के लेवल पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इस लेवल के आसपास आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी बार निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की साइड में तीन लेवल इंपोर्टेंट है सत्रह हजार दो सौ अट्ठासी का लेवल इसके बाद सौ का लेवल और इस रेंज को भी आपको ध्यान में रखना है अब हम दोस्तों चलते हैं फिफ्टीन मिनट के चार्ट पर और वहां पर हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड प्लान किस प्रकार कर सकते हैं वो हम समझेंगे दोस्तों फिफ्टीन मिनट के चार्ट पर तो दोस्तों अगर हम निफ्टी इंडेक्स को 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो निफ्टी इंडेक्स ने यहां पर 70000 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना रखा है और दोस्तों यहां पर जो मैंने

मेजर सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड में अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो दोस्तों आपको सौ से डेढ़ सौ पॉइंट का अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है लेकिन आपको दोस्तों छोटे टारगेट रखना है क्योंकि निफ्ट इंडेक्स और बैंक निफ्ट इंडेक्स काफी ज्यादा वॉलिटाइल है तो आपको यहाँ पर प्रीमियम में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्चुएसन देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आपको छोटे टारगेट रखना है और दोस्तों आपको कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है आपको यहाँ पर थोड़े स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ेंगे क्योंकि जब भी मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है वहाँ पर आपके स्टॉपलॉस हंटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर आपको अपने स्टॉपलॉस को बड़ा रखना पड़ता है क्वांटिटी चाहे कम कर दीजिए लेकिन आपको स्टॉपलॉस बड़ा रखना है और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो दोस्तों आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं अब हम दोस्तों इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल को आप देख लीजिए इस लेवल के आसपास निप्टी नेक्स ने रेजिस्टेंस लिया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहां पर दोस्तों आप कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं इसमें दोस्तों आपको फर्स्ट टारगेट रखना है सत्रह हजार दो सौ अट्ठासी का लेवल ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट है तो जैसे ही लेवल से नीचे आ जाता है और उस लेवल को अगर रिटेस्ट मार्केट करता है तो, तो दोस्तों वो अपने आप में रजिस्टेंस लेवल बन जाता है तो यहाँ पर सत्रह आपको ध्यान में रखना है और इस लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स निकल जाता है और पांच से दस मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहां पर दोस्तों आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है फिर हम दोस्तों यहाँ पर इस लेवल के आसपास तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों सत्रह हजार चार सौ के लेवल तक निफ्टी इंडेक्स आ सकता है और इस लेवल के ऊपर आता है तो फिर हम सत्रह के आसपास तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है इनको आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाकी दोस्तों कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर बनती है लाइव मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद की प्लानिंग